जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूं। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूं। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध सत्ता मात्र चैतन्य तत्व हूं। मैं ऐसा अरूपी महान तत्व हूं जिसमें न स्निग्धत्व है न रुक्षत्व है। इसलिए नीच चैतन्य सत्ता में बंध हो ही नहीं सकता। कारमाण वर्गणाओं का बंधन ज्ञान की सत्ता में कभी हो ही नहीं सकता। कर्म और ज्ञान एक क्षेत्रावगाह हो सकते हैं, बंधे हुए नहीं हो सकते, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव जीव में नहीं आता और जीव का स्वभाव पुद्गल में नहीं जाता। ऐसा जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, इस अबंध ज्ञान का अनुभव हो तो बंधन एक कल्पना दिखता है, संसार भी एक कल्पना दिखता है। और वह भी संसार में रह करके विचार करे तो ऐसा लगता है। अंतर्मुख होकर के ज्ञान 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 ऐसा यदि अनुभव हो तो देह के परमाणु और विकल्प, इन समस्त संयोग और संयोगी भावों को ज्ञान की निरंतर बहती जो धारा है, इस धारा में कहीं पर भी इन संयोगों का अवरोध नहीं है, रुकावट नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा बार बार तत्व विचार का परिणाम स्वयं के प्रति अहोभाव में वृद्धि है। यदि स्वयं के प्रति अहोभाव न बढ़े तो फिर अभव्य में, तो फिर निगोदिया में, जो वैसे भी वहां तड़प रहा है,
उनमें और मुझ में फिर अंतर क्या? उसने तो चैतन्य की पुकार न सुनी और भटक रहा है, तड़प रहा है। मगर मैं तो ये जानता भी हूं, मैं तो ये विचार भी करता हूं, मुझे तो 5 इंद्रिय और मन का योग भी प्राप्त हुआ है। विचार करने की ये योग्यता जो प्रकट हुई है, ये होने पर भी यदि मुझे अहोभाव न आए, नीच न्यायक देव के लिए ऐसा अहोभाव कि मुझसे महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। प्रकृति की ओर देखे तो बंधन दिखता है, कर्म की प्रकृति की ओर देखे तो बंधन है, मगर ज्ञान स्वभाव को देखे तो बंधन का विकल्प तक नहीं है। ऐसा यह ज्ञान ज्ञान से ही भरपूर है, क्योंकि स्वभाव में वह विकार की उत्पत्ति के लिए भी अवकाश नहीं है। कहां रखे उसे? जो संतान मां में से पैदा होती है, मां के गर्भ में अवकाश है बच्चे को रहने के लिए, मगर ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान में अवकाश नहीं है। ऐसी परिपूर्णता का अनुभव कि मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूं, फिर ये भय ही नहीं रहता कि कोई पर पदार्थ, कोई ज्ञेय मेरे अंदर आएगा या विकार मेरे में से पैदा होगा। मैं ज्ञान का घनपिंड पिंड हूं, अवकाश नहीं है ऐसा मैं घनपिंड हूं। अंदर ही अंदर ज्ञान में ही ज्ञान में अनुभव होता है, और विकार बाहर ही बाहर तैरता रहता है, ऊपर ही ऊपर, जैसे तेल की बूंद पानी के ऊपर तैरती है, अंदर जाकर के मिल नहीं सकती। ऐसा ही सब विकार का भाव वह बाहर ही तैरता है, मेरे निज चैतन्य स्वरूप में वह विकार का भाव नहीं है। यहां तो ज्ञान को इतना सूक्ष्म दृष्टि से देखा, एक एक समय की पर्याय में निर्विकल्प होकर के ज्ञान का अनुभव हुआ है। पूर्व की सब धारणाएं वहां छूट गई, पूर्व की सब कल्पनाएं वहां छूट जाती है। ऐसा यह अनुभव, कोई धारणा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल अलग ही उसकी प्रकृति है, जाती है, ऐसा वह अनुभव है। यह अनुभव होते ही एक समय के लिए स्वभाव से हिलता नहीं है, जैसे अनंत काल के लिए वह ठहर गया। इसलिए क्योंकि अनंत काल के लिए जो ठहरा हुआ है उस स्वभाव में एकत्व हुआ, अनंत काल के लिए जिसमें कोई परिणमन ही नहीं हो सकता, ऐसी सत्ता परिणाम का रस नहीं, अनंत काल के लिए कोई परिणमन नहीं, ऐसी सत्ता की रुचि निगोद में था, वहां से बाहर निकला, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ऐसी अलग अलग यौनियों में भटकता हुआ, ये भटकता हुआ आया। जब ये दिखाई दे तब कर्म के उदय याद आते हैं, तब दुख को भोगा ये याद आता है, तब पंच परावर्तन का स्मरण होता है, तब 4 गति का परिभ्रमण दिखाई देता है, तब एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, ये देह को पलटा, देह को बदला, ये सब याद आता है। मगर कहां गया था निगोद में, कहां कहां घूम करके आया, एक एक परमाणु को, एक एक परमाणु को देह के रूप में धारण किया, कोई परमाणु ऐसा बाकी नहीं बचा कि जिस परमाणु के साथ में बंधा नहीं,
देह के रूप में वे परमाणु मेरे साथ में बंधा नहीं, ये बंधन एक भी परमाणु न छूटा। जिन परमाणुओं के लिए मैं दौड़ता हूं कि ये मुझे मिल जाए, कभी मिले थे वे मुझे देह के रूप में मिले थे, अभी तो जो रुपये मुझे मिल जाए, मगर रुपये मिल जाए तो हाथ में रहेंगे, रुपये हाथ तो नहीं बन जाएंगे। पूर्व भव में वे रुपये के परमाणु तो देह ही बन चुके थे, उन परमाणुओं में यदि कुछ होता तो वे देह बन चुके थे। इसलिए सारे जगत के समस्त परमाणु में कि ये सब परमाणु कभी देह बन चुके हैं। ये पुराना देह वर्तमान में गाड़ी है, पुराना देह वर्तमान में टेबल है, कुर्सी है, पुराना जो मेरा देह वो वर्तमान में परमात्मा की मूर्ति है, ये पुराना देह ही है। इस प्रकार से सभी परमाणुओं के साथ में देह का ये योग देह के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। इसका विचार करो गहराई से, गहराई से विचार ऐसे करो, सुनो मत अब प्रयोग करो, आज तुम सिर्फ प्रयोग करो। आज इन परमाणुओं को मैंने ग्रहण किया, जो भी परमाणु अविस्मरण में आते हो, रुपये स्मरण में आए, कभी देह बन चुके थे, तिजोरी में पड़ा हुआ सोना स्मरण में आया, वह सोना कभी मेरा देह था, जो भी याद आए, हाथ में अभी पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट हाथ में नहीं है, ये पासपोर्ट के परमाणु ही कभी मेरा देह था। ऐसे ये सब परमाणु में जो भी हाथ में है, शास्त्र को हाथ में लिया, ये शास्त्र, ये पूर्व भव का मेरा शरीर जो बैर बिखेर होकर के वर्तमान में इस रूप में है। तो सारे परमाणु को भूतकाल का देह यदि देखे और छोड़ दिया है, फिर भी यहां खाली के खाली हूं, तो संसार के ये पदार्थ, ये परमाणु, ये सब दिखाई तो देता है, मगर भूतकाल का ये देह है जो बिखरा, कुछ परमाणु की याद रह जाती है, कुछ परमाणु इतने पलट जाते हैं कि पता तक नहीं चलता, कुछ परमाणुओं का पता ही नहीं चलता। जैसे राख है तो राख का तो पता चल जाता है, जैसे हड्डियां है उनका पता चल जाता है कि यह कभी मेरा शरीर था या कभी यह किसी का शरीर था, उसमें तो शरीर का पता चलता है। जितने जिंदा चींटी कीड़े मकोड़े हमें दिखाई देते हैं, उतने उनके मुर्दे क्यों नहीं दिखाई देते भगवान? मकोड़े के मुर्दे उतने नहीं दिखाई देते, मक्खियां जितनी जिंदा दिखाई देती है उतने मक्खियों के मुर्दे क्यों नहीं दिखाई देते? चींटियां जितनी जिंदा दिखाई देती है वो मरती तो है ना, उनका शरीर कहां चला जाता है? उनका शरीर बदल गया। मनुष्य का मुर्दा तो दिखाई देता है, चींटियों का मुर्दा कहां दिखाई नहीं देता, क्योंकि पैर पड़ा मनुष्य का ऊपर, या फिर और किसी कारण से हवा का एक ऐसा झोंका आया, पता नहीं बैर बिखेर होते हुए परमाणु पहचाने नहीं जाते। जो पैर में चींटी आ गई है, थोड़ी देर के बाद में रजकण के रूप में दिखती है कि कुछ कचरा पड़ा है, ये लगता ही नहीं है कि वो शरीर था। ऐसे ही इन सभी परमाणुओं को देखो, हे चैतन्य परमात्मा, इन परमाणुओं को ऐसे देखो कि ये सभी परमाणु भूतकाल में शरीर थे, सिर्फ पहचाने नहीं जाते, अभी दरवाजा बन गया है। जैसे चींटी का शरीर पहचाना नहीं जाता, लगता है कि ये धूल है, ये खिड़की दरवाजे, ये सोफा, ये कुर्सी, ये टेबल, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये सभी वस्तुओं में ये कभी भूतकाल में शरीर के रूप में थे, ये थोड़ा दूर गया, ऐसे ही देखता है। इसे शरीर में विष्ठा है और विष्ठा का त्याग किया तो ढेर पड़ा है, उसे पता है कि ये जो विष्ठा का ढेर है ये कभी शरीर था,
अभी अलग हुआ है। ऐसे ही सभी परमाणुओं में जिन जिन परमाणुओं की याद आए, दिखाई दे, सुनाई दे, चखने में आए, सूंघने में आए, छूने में आए, पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का विषय बनने वाला कोई भी पुद्गल स्पष्ट हो कि कभी यह देह था, पंच परावर्तन में यह देह रह चुका है। आपका शरीर कभी मेरा शरीर था, मेरा शरीर कभी आपका शरीर था। यह जो बंधन अनादि काल से है, ऐसे ही तो चक्र चलता है। चक्र का मतलब यही तो है, चक्र घूमता है, पंखा घूमता है, माने उसी जगह पर फिर दोबारा ऐसे ही चलता रहता है। यह चक्र ऐसा ही है, एक बार मेरा शरीर आपका बना, फिर आपका शरीर मेरा बना, दूसरे व्यक्ति का, तीसरे व्यक्ति का, ये जितने भी वो सब मेरा शरीर बन चुके हैं। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर भी मेरा शरीर बन चुका। इसलिए ये कहा नहीं कि तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है वो शरीर के परमाणु शांत है, वो परमाणु शांत नहीं है। परमाणु तो परमाणु है, वो परमाणु शांत होते तो वे परमाणु जब पंच परावर्तन के काल में मेरा शरीर बने तब फिर वे शांत क्यों नहीं थे? वो तो तीर्थंकर परमात्मा के योग में होने से उन्हें व्यवहार से शांत कहते हैं। शांत स्वभावी आत्मा के संयोग से, ऐसा संयोग से व्यवहार पैदा होता है कि वे परमाणु शांत है। ये तो वे ही परमाणु है, क्योंकि जब वे परमाणु बैर बिखेर हो जाते हैं, कपूर की भांति उड़ जाते हैं, वे शांत थे तो कहां चले गए, उनकी पहचान कहां? और वे चले गए तो कभी ना कभी तो किसी के सांस के रूप में, किसी के देह के रूप में, कहीं ना कहीं उसकी भी तो पर्याय पलटेगी। यदि शांत थे तो अनंत काल तक वे शांत रहने चाहिए। ये तो अतिशयोक्ति है, ये तो अलंकार है, ये तो भगवान के गुणगान की भक्ति की भाषा ऐसी है कि ऐसा होता है। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर इतना सुंदर है, स्वर्ग के देवता भी उस सुंदरता के गुणगान गाते गाते उनका भी जीवन पूरा हो जाता है। बहुत गुणगान गाए मगर गा ना पाए। ऐसा जो सुंदर देह मिला, उस देह में सुंदरता होती तो देह के बिखरने के बाद में सुंदरता कहां गई? इस प्रकार से सभी परमाणु मात्र में अब रस नहीं रहता, सबको एक और एक ही श्रेणी में रखा। कुछ वस्तु अभी यहां है और पड़ी हुई है, बस ऐसा ही ये देखता है, अभी ये पड़ी हुई है। एक वस्तु जीभ के ऊपर है और बाकी थाली में है, मगर वो थाली में है वो जीभ पर अभी नहीं है, मगर आएगी। ऐसे ही यदि आत्मा का हित नहीं हुआ तो भविष्य में ये सब अनंत परमाणु फिर देह बनेंगे। यहां तो परिवर्तन चलता ही रहता है। यहां तो खेत में से अनाज पैदा होता है, खाते हैं और विस्ता के रूप में वह जाता है, वही तो पूरा परिभ्रमण है। परमाणु का भी ऐसे ही परिवर्तन है, वह भी पलटते रहते हैं। यहां आत्मा भी भटकता रहता है, परिणाम भी पलटते रहते हैं, राग के, द्वेष के, ये परिणाम में भी पलटना होता है। और इन सब चक्र में, क्षेत्र में भी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां भटकना नहीं हुआ, जहां जन्म मरण न हुआ। तो जब महिमा आए कोई ऐसे प्रदेश की, वस्तु स्वरूप का विचार करके महिमा आती है कि यूरोप के देश तो कैसे है, इतने साफ सुथरे, अमेरिका तो इतना साफ सुथरा है, वहां का क्या कहना। कोई भी भारतीय अमेरिका में जाकर के बस गया हो, अमेरिका का नागरिक हो सकता है, बरसों तक वहां रहे तो वहां के नागरिक हो जाते हैं,
मगर वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, उस प्रेसिडेंट में वो चुनाव में खड़े नहीं रह सकते, उसके लिए अमेरिका में ही पैदा होना जरूरी है। ये नियम है, कानून है। वो वहां पर पैदा हुआ हो तो लगता है मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता तो, अरे मैं महाविद्य क्षेत्र में पैदा होता तो, वहां तो सदाकाल भगवान रहते हैं। मैं सिद्ध शिला पर होता तो, अरे तीन लोक में कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जहां जन्म नहीं हुआ, सब जगह जन्म हुआ, इसलिए उन प्रदेशों की महिमा नहीं रहती। और ऐसा कोई भी काल नहीं है कि जिस काल में मेरा जन्म मरण न हो, एक समय के लिए भी रुका कहां हूं, बीच में कोई गैप ही नहीं पड़ा, चालू ही चालू रहते हैं ये विकल्प, राग द्वेष, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ये सब चलता ही रहता है। कोई भाव ऐसा बाकी नहीं बचा है, सब प्रकार के भाव हुए, व्रत को धारण करने के भाव आए, मुनि भी हुआ। जब सातवें नरक में जाके भटका था तो मुनि को मारने का भाव भी आया था, और नौवे ग्रहवेग तक गया था तो मुनि भी होने का भाव आया था। ये क्रूरता के परिणाम भी आए और कोमल परिणाम भी आए, ये सब भाव आए थे तभी तो परिभ्रमण हुआ। इसलिए उन भावों में भी, ये सब में अब सार क्या समझना है कि कोई परमाणु को नहीं छोड़ा, कोई जगह को नहीं छोड़ा, किसी काल में और किसी भाव को, किसी को नहीं छोड़ा, सब परिभ्रमण हो चुका, कोई भाव बाकी नहीं रहा है। इसलिए सब भाव में गया, डायनासोर दिखाई नहीं देता मगर मैं डायनासोर बन चुका। ऐसे कोई भी जानवर, ऐसे कोई भी जीव जिनका शास्त्रों में वर्णन देखे ना कि ऐसे जानवर थे पहले, थे नहीं, मैं था वहां, उसमें ये बीच में इतना छोटा सा काल। अब विचार ऐसे करे कि मेरा चैतन्य परमात्मा स्वरूप तो अनादि अनंत है, उसमें ये आंखें खुली है, ये कुछ वर्षों के लिए, ये कुछ पल के लिए ये आंखें खुली है, और यहां पर कहीं योग ही नहीं मिलता। और उसका विचार यदि करो कि इस जगत में जितने लोग हैं, बाजार में जैसे देखते हैं, उनमें किसको ये भाव आता है कि जो विकल्प पैदा होता है उससे न्यारी ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता शुद्ध है। विकल्प ऐसा भाव किसको आता है, कितना व्यस्त है आदमी, यहां जो दिखाई देता है उनकी ही बात करो ना, हमारे गांव नगर शहर की ही बात करो ना, उनमें से ये अहोभाव कि मुझे ये अवसर मिला, मुझे ये अवसर मिला, बस अंदर में बल, मेरा स्वयं का बल चाहिए। यदि आत्महित करना है, मेरा स्वयं का जोर है या नहीं, बाकी तो फिसलने के बहुत निमित्त मिलेंगे। कहां भटकना होगा, इतना लंबा, इतना फैलना, ये सब अंतर में एकमात्र चैतन्य का जोर कि अनंत परमाणु में कोई परमाणु ऐसा नहीं छूटा जिसको देह के रूप में धारण नहीं किया हो। मगर ज्ञान कैसे धारण करेगा, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य, ज्ञान धारण करे, ये बात कैसे झूठी लगे। एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो दर्पण के अंदर न घुसा हो। अरे दर्पण के अंदर घुसे कैसे, अंदर जगह नहीं है, रहेगा तो दर्पण के बाहर ही रहेगा। तो ये अनंत परमाणु जो मैंने धारण किए देह के रूप में, जैसे ही ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जाती है
कि अनंत परमाणु का धारण करने का ये जो बंधन है उस बंधन से छूट जाता है। इतना हल्का महसूस करता है कि कितना बोझ था, भटका, दुखी हुआ, ये ग्रहण किया, इसे ग्रहण किया, कुछ नहीं। भगवान ये ज्ञान स्वभाव की अंतर्मुख दृष्टि होते ही ऐसा होता है। भगवान आत्मा ऐसा ज्ञान के सन्मुख होकर के अनुभव होता है तब कोई परमाणु को धारण नहीं किया है। एक भी परमाणु को धारण कहां से करे, चारों ओर से तो ज्ञान भरा है, अनुभव ज्ञान रूप हो रहा है। वो परमाणु का कोई कनेक्शन क्या है ज्ञान की अनुभूति में? ऐसा में ज्ञान 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 स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो अनंत परमाणु को धारण किया। कब धारण किया, कहां से धारण किया, कैसे पकड़ा उन परमाणुओं को? पकड़ने की, उन परमाणुओं को उठाने की ताकत थी कि ये तो पकड़ा है, ये ज्ञान, ये भगवान आत्मा यहां है तो भगवान आत्मा ने देह को पकड़ा तो है ना, भगवान आत्मा ने देह को पकड़ा है ना। वो तो ज्ञान जो भगवान आत्मा का अनुभव स्वभाव को दे तो पता चले कि अनुभव स्वभाव ने देह को कहां पकड़ा है। अभी ऐसा जो कर्तृत्व का भाव है इस वजह से लगता है कि परमाणु को मैं ढोता हूं, इस देह को मैं ढोता हूं, हाथ हिला तो मैं हूं, मैंने ये हाथ हिलाया। मगर ज्ञान के अनुभव स्वभाव को देखे तो अनुभव स्वभाव कुछ काम नहीं करता है, वहां अनुभूति होती है, करना नहीं होता। ऐसा ये चैतन्य पूरा आ आ आ अंतर में सभी अनुभव जो है अनुभव करता नहीं है और मेरा स्वभाव अनुभव है। अनुभव करूं नहीं, मैं स्वभाव से अनुभव लक्षण वाला हूं। अनुभव ये मेरा स्वभाव है, अनुभव मेरा स्वभाव है, श्रद्धा मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव है। क्योंकि जड़ पदार्थों में ये अनुभव भगवान नहीं होता है। ऐसा चैतन्य परमात्मा में कि परमाणु को कहां से मैं ग्रहण करूं, बंधन लगेगा ही नहीं। फिर वो कल्पना रही नहीं क्योंकि अनुभव है, अनुभव में अनुभव होता है, अनुभव में स्त्री नहीं होती है, पुरुष नहीं होता है, ये कहां वहां अनुभव में। ऐसा अंतर में जाकर के अनुभव कर, ऐसा अनुभव करके अनुभव स्वभाव में, अनुभव स्वभाव में परमाणु ही नहीं होते तो अनुभव स्वभाव में स्त्री पुरुष कहां होंगे। ऐसा ये शरीर का आकार रूप रंग ये जो भी है, अब वो कहां होगा अनुभव में? इसलिए ज्ञानी ने अब देह को पकड़ा ही नहीं है। ऐसा अंतर में ज्ञानी जहां वास करता, ऐसा अंतर में वास करता है कि देह को पकड़ा नहीं है, परमाणु को पकड़ा नहीं है, क्योंकि अनुभव का स्वभाव ऐसा है, पकड़ने का स्वभाव नहीं है, वहां पर पकड़ता नहीं है। आंख कोई वस्तु को पकड़ती है? आंख का काम पकड़ने का नहीं है, देखने का काम है। ऐसे ही ये ज्ञान का कार्य तो जानना है, पकड़ना नहीं है। और जो ज्ञान जानता है वो परमाणु को कैसे पकड़े, इसलिए कोई परमाणु को मैंने देह के रूप में धारण नहीं किया। ऐसा अंतर में ज्ञान 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 अहोभाव आता है। जब तक ये अहोभाव से न भरे अनुभूति नहीं होती है। ऐसा अपना कोई परमाणु को नहीं पकड़ा है, फिर परमाणु पड़े है ऐसे ही, ओ अनुभव में रह करके अनुभव को अंतर में कोई परमाणु नहीं पड़े। यहां पर जो पड़े कैसे पकड़ू मैं उनको, आंख पकड़ने जाए ऐसे? ये आंख है, उस आंख ने आंख को पकड़ लिया, इस आंख ने बर्फ को पकड़ लिया, वो कहां पकड़ने जाए? पकड़ने की शक्ति तो चाहिए ना उसे। ज्ञान का जो स्वभाव है वो ज्ञान का स्वभाव पकड़ने का नहीं है, जानने का स्वभाव है। जानने का और पकड़ना, इसमें कितना अंतर है। नहीं तो केवल ही भगवान ने सारे जगत को पकड़ लिया, क्योंकि ज्ञान में जानते हैं। जानने का अर्थ पकड़ना होता तो केवल ही भगवान के बीच में लड़ाइयां होती,
भरत चक्रवर्ती की लड़ाई तो कुछ नहीं थी, मेरी जमीन और तेरी जमीन, केवल ही भगवान के बीच में लड़ाइयां होती। एक कहे कि मैंने लोकालोक को जाना है मेरा, दूसरा कहे मैंने लोकालोक को जाना मेरा। जानने से मेरा होता तो, जानने से मेरा नहीं हुआ तो अनंत परमाणु देह के रूप में धारण हुए, मगर पकड़ा कहां, यह व्यवहार था, कहने की बात थी। वो तो दृष्टि बाहर की ओर है, इसलिए ये कहा। दृष्टि अंतर्मुख जिनकी हुई है उन्होंने देह को पकड़ा है। ओ, 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 कैसे पकड़ के रखा है उन्होंने देह को? अरे वो है, नहीं तो तीर्थंकर भगवान शरीर को पकड़ते हैं, मानना पड़ेगा। मगर उनकी दृष्टि वहां नहीं है तो नहीं पकड़ा, पड़ा है जली हुई रस्सी की तरह ही, चार अघाति कर्म ऐसे पड़े हैं। ऐसा भगवान अब देह के साथ में वो नहीं रहता, ज्ञान है ना, ज्ञान ने संगति छोड़ दी अब देह की। समझदार व्यक्ति बुद्धू के साथ में दोस्ती नहीं करता, मित्रता नहीं करता, ऐसा हो छोड़ देता उसके साथ में, ऐसा। अंतर में ज्ञान की ऐसी महिमा कि ज्ञान के स्वभाव में और एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश ऐसी गिनती नहीं करता है, मगर ये सर्वांग प्रदेशों पर ये भगवान आत्मा पूरे में एक एक फैला हुआ हो, ऐसा सिर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर में ये सब जगह जो अनुभव में आ रही है ये सत्ता, उसे सिर और पैर का पता नहीं है, भेद नहीं है कि ये सिर वाला ज्ञान का प्रदेश, पैर वाला ज्ञान का प्रदेश। वो ज्ञान के प्रदेश में ऐसे शरीर के परमाणुओं के कारण वो भेद नहीं है। वो ज्ञान के प्रदेश तो जानने का कार्य करते हैं बस, और वो भी अलग अलग रूप में खंडित होकर के नहीं, एक अखंड रह करके। उसका होना एक अखंड है, जैसे आंख देखती है तो थोड़े परमाणु, अब सामने जो 100 कुर्सी है तो 100 कुर्सी को देखने वाली ये आंख है, तो एक काम करो कि आधी आंख काट करके वो 50 कुर्सी को देखे और आधी आंख फिर 50 टेबल को देखे, एक साथ में 100 कुर्सी को जो देखती है। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब 100 कुर्सी को आंख देखती है तो वो पूरी आंख, आधी नहीं, समस्त प्रदेशों का एक साथ में ऐसा कार्य होता है देखने का। ऐसे ही जो ज्ञान जानता है वो असंख्य प्रदेशों में अखंड रह करके ज्ञेय को जानता है, असंख्य प्रदेशों में। प्रदेश तो है, ये सत्य है, आंख का विस्तार पूरा ऐसा फैला है, मगर टुकड़े टुकड़े करके वो थोड़ा आंख का थोड़ा भाग थोड़े को जाने, थोड़ा भाग और थोड़े को जाने, ऐसा नहीं। वो एक ही अखंड आंख है, जो जितने भी पदार्थ दिखाई देते वो एक का अखंड। ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में जो अखंड, अखंड का मतलब प्रदेशों के कारण जिसमें टुकड़े नहीं होते, ये अखंड। गुणों की बात आए तो अभेद है, प्रदेशों की बात आए तो अखंड है, काल की बात आए तो एक है, और द्रव्य की बात आए तो सामान्य सत्ता स्वरूप है। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात है। यह अखंड ऐसा जो ज्ञान जो वहां पर इसलिए नारकी के देह को धारण किया, ज्ञान को मुख्य रखना बस यही बात, हर बार इसमें ही घटित करो, हर बार यही घटित करो, ये अभ्यास करना। कल तक जब तक नहीं मिलते तब तक ये अभ्यास करना, क्या एक ही रटन अंदर में रखो कि ज्ञान जानता है, जिसका स्वभाव जानना है, पकड़ना स्वभाव नहीं है। जब पकड़ना स्वभाव नहीं है तो अनंत देह को पकड़ा वो कैसे पकड़ा? पकड़ा ही नहीं है, जाना ही है, जानना 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 हो रहा।
कोई संसार, वो स्वभाव को देखते ही एक अखंड सत्ता दिखाई देगी। फिर भूतकाल में वो तो एक 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 भव का वो देखता था तो भेद पैदा होता था, ऐसी एक एक भव को देखता है तो भेद पैदा होता है। वहां पर तो उनको देखे ही नहीं तो एक एक सत्ता है, एक सत्ता। ये गांव को जब देखा कि एक गांव है, फिर ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, तो यहां जो पानी बह रहा है तो ये नदी, ये पानी, ये अभी कहां है कि इस गांव के पास है, फिर ये दूसरे गांव के पास है। तो जब गांव को लेते हैं तो ये पानी अभी यहां से बह रहा है, फिर आगे पानी गया, दूसरे गांव के पास गया, फिर तीसरे गांव के पास गया। पानी तो नदी में है मगर गांव का विकल्प आता है तो पानी में भेद पैदा हो जाता है। अभी ये पानी तो इस गांव में पहुंचा है, अभी यहां तक नहीं पहुंचा है, एक पानी जो आगे का वो आगे पहुंच गया है, ये भेद। गांव को देखो तो, और गांव को मत देखो तो, पानी मात्र को देखो तो एक प्रवाह है, उसमें खंड नहीं है, वो तो अखंड है। गांव में खंड है, ये प्रवाह तो अखंड है। ऐसे ये देह के परमाणु को, इंद्रियों को बीच में लाओ तो ये ज्ञान खंड खंड रूप होता है, मगर इंद्रियों को न लाओ तो मात्र एक ही कार्य है, जानना जानना, नया होता ही नहीं है, एक ही जानना 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 जानना, एक ही बात, जानना 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 जानना। ऐसा हो इसका एक ऐसा जो स्वभाव है, जानना 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 जानना, और उसको ही पकड़ना, उसको पकड़ना, उस पकड़ के काल में वो प्रवाह का विकल्प नहीं, उसे कहते सत्ता को पकड़ा, उसका भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। कि ज्ञान का जो जानना जानना उसमें क्या है, सूक्ष्म भाव है। ये एक व्यक्ति है, अब ये वस्तु को जो पकड़ करके दिया उस व्यक्ति को, यहां पर मानो एक रुपया है, एक रुपया है और वहां एक व्यक्ति है, तो एक रुपया लेकर के अब बिल्कुल ऐसे देखना, एक रुपया लेकर के अब उस व्यक्ति को ऐसे दिया, तो यहां एक रुपया है, ये रुपया, फिर आगे दो रुपये की नोट है, फिर पांच रुपये की नोट है, फिर दस रुपये की नोट है। अब यहां पर जब एक रुपया लेकर के उस व्यक्ति को ऐसे दिया, वो रमेश को दिया, अब वो लखपति है, मगर दो रुपया फिर मैंने लिया और फिर उस सुरेश को दिया, वो करोड़पति है, फिर मैंने तीन रुपया लिया, पांच रुपया लिया, एक एक को ऐसे में देता हूं, तो यहां की संख्या अलग अलग है, जिसको देता हूं वो व्यक्ति भी अलग अलग है, मगर ये जो हाथ की क्रिया, इसको क्या विकल्प है एक रुपये का, या इसको क्या विकल्प है लखपति करोड़पति का, ऐसा बस। तो ये चार बार हाथ घुमा, पांचवी बार हाथ घुमा, छठी बार हाथ घुमा, जिसमें न रुपये का विकल्प है न जिसको दिया उसका विकल्प है। तो ज्ञान जब करोड़ों को जानता है, कीचड़ को जानता है, तो उसमें भेद पड़ता है, मगर जो परिणमन होता है जानने का, उस जानने के परिणमन में भेद नहीं होता। अब ऐसा जो परिणमन होता है, ऐसा अब एक एक समय के परिणमन में भगवान, फिर उसने जब अंतर में आश्रय लेने की बात आई तो सत्ता को ग्रहण किया। ऐसा भगवान, ऐसा सत्ता का भाव कि अब मां ये काम करती है, ये मां का हाथ है ना, ऐसे एक रुपया लिया फिर दिया, फिर दो रुपये लिए ये दिया, मां ये काम करती है, मां ये काम करती है। और बच्चा है कि सांप निकला, अब वो डरता डरता आया, तो जब डरता डरता आता है तब वो एक रुपये को नहीं पकड़ता, वो उस आदमी को भी नहीं पकड़ता, वो मां का हाथ पकड़ता है, और जब हाथ पकड़ता है तब घूम रहा है मां का हाथ,
ऐसा भाव नहीं है, मां को पकड़ा। तो जो ज्ञान का जानना 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 ये हो तो रहा है, मगर वो जानने के प्रवाह का विकल्प नहीं है, ज्ञान, बस इसी का नाम अनुभूति। ज्ञान मात्र फिर उसको एकत्व कह दिया, उस समय अपूर्व चमत्कार हुआ, उस समय निर्विकल्प हुआ, अब वो राग के नाग से डरता नहीं है, मां को पकड़ लिया है। ओ हो 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 भगवान, ये जो बात इतनी अंतर की बात है, ऐसा ये स्वरूप है, इसलिए अनुभव अनुभव का ऐसा आ आ आ कार्य निरंतर होता है। न उसने कार्य को रोका, जानना 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 होता ही रहता है, और उसमें ज्ञान का ऐसा निर्विकल्प, ऐसा बस मां मिली, और उस समय कि अब मुझे सांप से नहीं डरना है, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं सांप से नहीं डरूंगा, कुछ नहीं, जैसे ही मां को पकड़ लिया तो वो निर्भय हो गए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, इस प्रकार से ज्ञान के जानने जानने, अब यहां पर कार्य तो उसका ही है ना, ऐसा बस, और उस समय कोई विकल्प नहीं था। मां के हाथ में जिस समय उस बच्चे ने मां का हाथ पकड़ा है, उस समय वहां पर उसको मां के हाथ में उस समय 10 की नोट थी या 20 की थी या क्या था, उससे लेना देना नहीं था बच्चे को, और कौन था सामने उससे भी लेना देना नहीं है। वो एक अंदर की सुरक्षा का जो ऐसा मां है, वो बात करती रहती है, अपनी कोई सखी मिल गई, अब बाजार में ही कोई सखी मिली उनसे बात करती है, अब उससे बात करते समय ऐसे इन परमाणुओं को पकड़े, ज्ञान कैसे पकड़े, क्योंकि अंदर में जानना है वहां पकड़ना नहीं है, पूरा देह आपको ऐसा ही दिखता है भगवान, और अंदर में ज्ञान 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 का ही अनुभव, तू अशरीरी हो गया भगवान, अशरीरी सिद्ध परमात्मा तू हो गया, ऐसा ये अनुभव है, मगर तुझे रुचता नहीं है, क्योंकि विकल्प और राग की आदत इतनी हो गई है, इसलिए ये स्पष्ट मार्ग होने पर भी जीव को क्यों नहीं रुचता। ये मंदिर में मंजीरा कौन बजाएगा, फिर ये ढोलक नकारे कौन बजाएगा, ये जोर जोर से भक्ति करके भगवान की तारीफ ये कौन करेगा, ये सिर्फ ये आदत फिर हो गई, ऐसी आदत। उसने वो जो मां उससे बात करती है अपनी सखी से, तो बोलने नहीं गई, कुछ भी नहीं, खाली बस उसकी बात चल रही है, और इसने ऐसे ग्रहण किया, बच्चा है, बच्चा मां को, मां की ओर वो देखता है, मां को पकड़ता है, मगर उसका उसे कोई लेना देना नहीं, मां उसकी ओर देखे या न देखे, वो बात करती रहती है, वहां कुत्ता निकला, ये भी कुत्ता काटेगा, ये भागता हुआ मां के पास में गया, मां तू उनसे बात मत कर, तू मेरी ओर देख, मां के नजदीक जाने में सुरक्षा है, वो क्या कर रही उसे कोई लेना देना नहीं, ज्ञान की पर्याय जो जानती है उसे कुछ मत करो, सिर्फ वो जानती है, मगर उसकी सत्ता है ना, ये सत्ता
सत्ता है। ऐसी सत्ता, ऐसी सत्ता, ये सत्ता। अंदर में ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का ऐसा जो परमाणु को धारण नहीं किया और तीन लोक में किस किस प्रदेश पर गया, फिर वो ऐसा कहां तीन लोक के प्रदेश, यहां पर असंख्य प्रदेशों में ये इस सत्ता को देखता है। ऐसी सत्ता मात्र ज्ञान ऐसा देखे ना, तो ये जो आंखें है ये पूरी दुनिया में ऐसा, ये आंखें है ये पूरी दुनिया घूम के आई है। ये आंखों का पूरी दुनिया में भ्रमण हुआ, मगर ये आंखें कितनी घूमी, पूरी दुनिया घूमी, अरे घूम घूम करके ये आंखें यहां नहीं आई, इधर ही रही ना, कहां घूमी है वो। वो ऐसा ही है कि ये ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है, तू यहां रह करके देख तो वह स्थिर है, कहां कुछ करता है। वो स्थित चैतन्य है भगवान, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसका विचार गहराई से करो। अब ये ना ये प्रवचन धंधा बंद करो समझाने का, अब खुद का हित पहले करो, नहीं तो बहुत भटकोगे। अभी टाइम बाकी है, मैं मना करता हूं, यहां पर आकर के समझाओ मत किसी को, सिर्फ अंदर में चैतन्य का खुद का निर्णय करके छाओ। नहीं तो मार्ग से हट जाते हो। एक जो प्रयोजन है ना उसमें अंदर से, क्योंकि वो धंधा पंडिताई का मैंने बहुत कर दिया है भगवान, यहां तो एक ही जगह पर अंतर में ही अंतर में, ऐसा बस और कुछ नहीं। हे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कहां टाइम है मेरा, खुद तो अभी अनुभव का ठिकाना नहीं है। आज जो मैं आपको बताता हूं ये पूरा बोध अंदर का ऐसा, सब ऐसी भ्रांति पे भ्रांतियां चलती रहती है। करुणा उपजे जोई, ये देख करके करुणा उत्पन्न हो, बुद्धि में खेलता है वैज्ञान। जो गुरु कहता है शिष्य सुनता है सब समझता है, वो बुद्धि में खेलता है और बुद्धि से फिर प्रवचन होता है। पंडित है कौन, गुरुदेव ने इतनी पुकार की, पंडित ने सुनी, खोपड़ी में भरी और फिर खोपड़ी खाली की, मगर उस पंडित का क्या भला हुआ। और ये स्थान तो उनके लिए है जो एक ही प्रयोजन की अनुभूति के अलावा और कुछ नहीं। ये तो उनकी बात है जहां पर अभी उस भूमिका में पहुंचे, कि जहां पर अभी उस स्थिति में अंतर में ऐसा प्रचुर स्व संवेदन होता है, उसे भी ओ प्रमाद के भेद में ये मुनिराज भावलिंगी संत ये शास्त्र लिखने के काल में ऐसा ऐसा लिखते हैं। ये स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, ये कथा ये हम कहां करने बैठे हैं। समय सार लिखते हैं ना, तब वो ये समय सार, ये स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा, ये भोजन कथा, ये वी कथा, उसको वी कथा कहा। अंदर में खेद होता है, इसलिए तो करो ऐसा स्वरूप भगवान चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये कहानी के बहाने, आज का ये कथा के बहाने मैंने वो ज्ञान का वर्णन करना था।
ऐसा है। आ आ आ आ आ आ, आ। उसको ऐसा कहा ज्ञानियों ने, ओ मुनिराज, और भी कथा करते हैं। वहां भोजन कथा होती है, उतना भी विकल्प आया। भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को भोगा, वैराग्य आया स्वरूप के आश्रय से। उन्होंने ये सब का त्याग किया, 96,000 रानियों का त्याग किया। धन्य है ऐसे ज्ञानी, ऐसा करके मुनिराज ने लिखा। ये स्त्री कथा की, ऐसा इसको स्त्री कथा कहा। ये 96,000 रानियों को छोड़ा, हो भोगने की बात नहीं लिखी, छोड़ा। मगर अभी वो रानियों को मैंने भी क्यों अभी ये याद किया, इस स्थिति में पहुंच करके। ये वी कथा में मैं कहां पड़ा, उस सिद्ध परमात्मा में डुबकी लगाता था, और स्त्री को छोड़ा, ये विकल्प आया, ये वी कथा है। सीधे गिरे छठे में, सातवें में से। उस स्थिति को भी ऐसा कहा। यहां तो अंदर से मीठा लगता है, कोई है सुनने वाला? ये तो प्रवचन प्रवचन सब अभी 2023 खत्म, इसके लिए तो बस बहुत बहुत हो गया। भगवान आत्मा वाणी, वाणी का विलास चलता रहता है, और कहने योग्य सब कुछ कह दिया। ऐसा स्वरूप है। ये भीष्म पितामह और अर्जुन की कहानी है, मुझे पता नहीं थी, मैंने इनसे सुनी। मैं तो सच कहता हूं, मेरे को तो कथा ही पता नहीं थी, क्या कथा है क्या कहानी है। यहां तो एक ही जीव राजा की कहानी है। व्यवहार से संसार में सब जगह भटका और सब देह को धारण किया, और निश्चय से ज्ञान किसी को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि जानने का जिसका स्वभाव है, अनुभव जिसका लक्षण है, वो किसी को पकड़ता नहीं है। तुम अंदर ही अंदर निर्णय करो ना। अंदर में जाओ और अंदर में जाओ, मौन रह करके जाने का, तुम मौनी हो जाओ। मौन तब इस ज्ञान का स्वरूप भी समझ में आएगा। भगवान ओ हो हो हो, बस ऐसा चैतन्य। भीष्म पितामह पूर्व भव में ग्वाला का जीव था, और गाय को चरा के आते थे, और बीच में सांप था। वो सांप का जो जीव था वही अर्जुन था, अर्जुन का जीव वो सांप के रूप में था। रास्ते में वो सांप था, तो उन्होंने कुछ लाठी से ऐसा कर दिया और एक और डाल दिया। जब सांप आता है ना रास्ते पे, देखते हैं तो उड़ा के उसको भाई, मौत जब दिखती है तब विचार कौन करता है कि उसको पीड़ा कितनी होगी। हमारा भी ऐसा ही होता है, कभी कभी तो मारने नहीं बचाने जाते और वो मर जाता है, ऐसा होता है। अब छोटे छोटे जीव जंतु है, हम क्या करते, ऐसे जीव जंतु यहां पर ऐसा बैठा है, ऐसा करने जाते हैं तो वो गए थे कि बचाने के लिए, बचाने के लिए, और वो ऐसा लगा कि मर गया।
कभी कभी पकड़ करके उनको कागज में ऐसे करके पकड़ने उंगली से जाते और दब जाता है और मर जाता है। इसलिए पहली कोशिश यह करना कि किसी जीव को छनछेड़ना ही नहीं, पहली बात तो ये यहां पड़ा है उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो वही धंधा करता रहेगा जंगल में जाकर के भी, इधर ये है एक मच्छर है, इस मच्छर को मैं बचा लूं क्योंकि एक छिपकली उसे खाएगी, दूसरे मच्छर को बचाओ, वही करता रहेगा तो अनंत जीव है तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और इतना सूक्ष्म जीव है वो, मच्छर इतना ऐसा ऊपर बैठा है कपड़े के ऊपर, अब उसको तू कैसे भी करके करेगा, थोड़ा भी छुएगा कि वो मरेगा। इससे चाहे रहे तो है, बस तुझे तकलीफ होती है, मच्छर की जीव बचाने का भाव नहीं है। इसी वजह से भावलिंगी मुनि वन जंगल में जा पर शेर हिरण को खाता हो तो बचाने नहीं चाहते, शेर हिरण को खाता हो बचाने नहीं जाते, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को खाता हो मुनिराज बचाने नहीं जाते, बिल्ली चूहे को खाने खाती हो खाने जाती हो मुनि वह है जो बचाने नहीं चाहते, क्योंकि उनका लक्ष्य जीवों को बचाने जाने का नहीं है, उसके लिए जंगल में नहीं गए। नहीं तो जंगल में तो ये कितना यही तो होता है, बड़े जानवर छोटे को खाते हैं, वहां तो उनकी परिणति ऐसी हो गई है कि लक्ष्य ही वहां नहीं जाता, अंतर की आराधना। नहीं तो यहां घर परिवार में तो 5-10 लोगों को बचाने का था, वहां तो फिर हजारों को बचाने का होगा, नया घर बस जाएगा वहां। मुनिराज अहिंसा का पालन करते हैं तो फिर इतने की तो हिंसा होती है, वो उनके खाते में नहीं जाती, उनके खाते में तो इतना कि जब वे चले तब नीचे देख के चले कि कोई जीव की हिंसा न हो, उनके द्वारा कोई जीव नहीं मरना चाहिए, उनकी लिमिट में बस मैं सावधान रहूं कि मैं अपनी क्रियाओं में सावधान रहूं, बाकी सब में तो कभी वो शेर है वो हिरण को छोड़कर मुनि को खाने आएगा, उसको क्या लेना देना है कि यह हिरण है कि मुनि है, पर डर करके नहीं, लक्ष्य ही नहीं जाता। तब शेर को ऐसे उछा, सांप को उछा करके ऐसे ही फेंक दिया, वो मर गया, बोले कंकड़ में गया कांटे में गया, वहीं पे ही तड़पता हुआ सांप मर गया। और फिर इस भव में वो ग्वाला जो था उसने ऐसा किया ना, तो इस भव में उसको उसके हिसाब से फिर फल कर्म का फल मिला कि वहां पूर्व भव में ग्वाला का जीव था, इस जन्म में फिर अर्जुन ने मारा, वो सांप था ना, पूर्व भव में सांप था तो सांप अब बदला लेने आएगा। कहते हैं नाग नागण, यदि आपने किसी नाग को सांप को मारा हो तो वो नागिन फिर छोड़ती नहीं है, ये तो कहने की बात है, वास्तव में तो वो नाग नहीं छोड़ता है, वो पीछे आता है अगले भव में, नागिन नहीं छोड़ती, वो तो उसका कुछ अलग होगा अकाउंट, वो तो उसका अकाउंट था, वो तो अगले भव में आएगा, तो अगले भव में फिर है 8:23 तो हो गई, मुझे जो कहना था वो हो गया, अगले भव में फिर वो भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों मरे,
अर्जुन वो ऐसा याद करके ऐसा उसको मारना है। यहां सिर्फ स्टोरी इतनी थी, अब दो मिनट भी नहीं लगी है स्टोरी में। मुझे तो बताना था कि ज्ञान ज्ञेय को पकड़ता नहीं, इस जागृति में सदा काल रहे कि भीष्म पितामह और अर्जुन विशेष। यदि आपको सुनना हो तो महाभारत से सुन लेना, अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो देहा।